लगभग 6 फीट हाइट होगी इनकी, और ये बैठ के दिखाएंगे एक बार। ये देखो भाइयों, बहुत ही कंफर्टेबल ट्रैक्टर है ये देखो, मेरा कहीं पे नहीं लग पाते हैं। जी जी जी, ट्रैक्टर की आवाज़ भी सुन के देखेंगे, सिंगल सिलेंडर है। आगे की तरफ शानदार आवाज़ निकाल रहा है, बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, भाइयों आज एक बहुत ही शानदार ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। ये मैसी का 5118 मॉडल है भाइयों, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज ट्रैक्टर है, आप देख सकते हो बहुत ही छोटे साइज का ट्रैक्टर है, और ट्रेंच विधि से गन्ना खेती करते हैं उनके लिए तो ये वरदान है भाइयों। भाइयों इस ट्रैक्टर की कुछ जानकारी लेंगे जो यहाँ पे डीलर साहब हैं। भाइयों ये जहांगीराबाद में अभी अभी नई डीलरशिप आई है, क्योंकि यहाँ पे पहले से मैसी की कोई डीलरशिप नहीं थी, और भाइयों काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है किसान साथियों से इस डीलरशिप पे। तो भाइयों इन सब चीज़ के बारे में नॉलेज लेंगे, पहले ट्रैक्टर देख लो आप चारों तरफ से। भाइयों ये सिंगल सिलेंडर लगभग 18 से 20 HP कैटेगरी रेंज का ट्रैक्टर है, टू व्हील ड्राइव है, पूछेंगे फोर व्हील ड्राइव भी आता है कि नहीं आता। तो पहले जो यहाँ पे ये भैया जी इनसे बात करेंगे। अच्छा नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर थोड़ा सा अपनी एजेंसी के बारे में बताएं पहले तो। सर हमारी एजेंसी जगदम्बा ट्रैक्टर्स के नाम से जहीराबाद से है। जहीराबाद जी। अच्छा, और अभी इसको जनवरी में इसकी ओपनिंग हुई थी। हाँ हाँ, और उसके बाद में हमारे यहाँ से कई ट्रैक्टर निकल चुके हैं। अच्छा, रेस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है किसान साथ? बहुत बढ़िया मिल रहा है, फील्ड में भी अच्छा जो रेस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ हाँ, 5118 जो 18 HP का ट्रैक्टर है। अच्छा अच्छा, एक सिलेंडर। हाँ हाँ, ये हमारे यहाँ से डिमांड पे ट्रैक्टर जो है लाए जा रहे हैं। अच्छा, और अभी अभी ये भी एक अनुच्छेद चेयरमैन साहब है उनके लिए दिया जा रहा है जी, जो मंडी में चला जाएगा। अच्छा, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बताओ, कितने HP है, क्या मामला है इसका? देखिए ये 18 HP का ट्रैक्टर है। हाँ हाँ, और एक सिलेंडर है। एक सिलेंडर, एक सिलेंडर, अच्छी तेल की खपत है इसकी, अच्छा अपने इसका काम चलता है, और लगभग मेरे हिसाब से 700 ग्राम प्रति घंटे की जो इसकी तेल की वो है। और जैसे मैसी का बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक दिया है, तो ये भी काफ़ी लुभा रहा होगा आजकल किसान साथियों को। अच्छी तरह से लुभा रहा है। जी जी जी, बागवानी खेती और जो ट्रंच वाली विधि से ही, ट्रंच वाली आजकल जो ट्रंच विधि से खेती करते हैं गन्ने की किसान साथी, उनके लिए तो वरदान साबित है। बाकी मैसी का भरोसा है ही, क्योंकि पुरानी कंपनी है। ऐसा पुरानी कहावत है कि सिखाओ देसी ट्रैक्टर चलाओ मैसी, चलाओ मैसी, ये तो हर किसी ने लगभग सुना होगा। अच्छा, जैसे छोटा ट्रैक्टर है तो लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी होगी, इसकी कुछ जानकारी हो भाई साहब? उसके बारे में थोड़ा जानकारी। जी जी, लिफ्टिंग कैपेसिटी लगभग ये माने आप 500-600 kg की तो होगी। हाँ लगभग। भाइयों काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है, देख सकते हो आप, ऑयल बाथ क्लीनर दिया गया है, और इधर इसका साइलेंसर दिया गया है। टायर साइज के बारे में बताऊंगा अभी मैं, 5 15 14 के पीछे वाले हैं, और भाइयों सॉरी 5 15 14 के आगे वाले टायर दिए गए हैं, और पीछे वाले टायर भाइयों 8 18 के हैं, और काफ़ी अच्छे ढंग से मैन्युफैक्चर किया गया ट्रैक्टर को, ये देख सकते हो आप, कहीं भी ऐसा नहीं लगता जैसे छोटा ट्रैक्टर है यूँ ही बना दिया हो कंपनी ने, बहुत अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर किया है, साइड शिफ्टिंग गियरों के साथ दिया है, ये 8+2 के कॉम्बिनेशन के साथ आता है ट्रैक्टर, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स। और भाइयों मैसी के लिफ्ट की सेंसिंग के तो कहने ही क्या, भाइयों लिफ्टिंग की सेंसिंग जो है मैसी की काफ़ी शानदार है, 2 लिंक के होल दिए गए हैं यहाँ पर, और भाइयों इसमें पीछे ही देखो ये यहाँ पर टूल बॉक्स टूल किट दिया गया है, रिफ्लेक्टर है, पीछे लाइट दी गई है। ये भाइयों पीछे अगर कोई ट्रॉली वगैरह जोड़ रहे हो या कोई इम्प्लीमेंट है इलेक्ट्रिसिटी वाला तो उसके लिए है, काफ़ी शानदार तरीके से डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है ट्रैक्टर कंपनी ने, ये देखो, और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है, सीधे एक्सल में है। भाइयों कोई भी कोताही नहीं बरती है ट्रैक्टर में, के छोटा ट्रैक्टर है तो कोई कमी छोड़ दे कंपनी, और फ्रंट में आगे बैटरी लगा के दिए जिससे कि सामने से ट्रैक्टर जंप ना करे, आगे वेट बढ़ा रहे। अच्छा, इसके अगर ऑन रोड कीमत की बात करें तो किस कीमत में पड़ जाएगा किसान साथियों को ट्रैक्टर? भाई साहब ये कैश में लगभग 3-35 के आसपास इसका रेट है। 3,35,000 कैश में जी,
भाइयों 3,35,000 में पड़ेगा ट्रैक्टर किसान साथियों को, ये देख सकते हो आप, लगभग 18 से 20 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर काफ़ी शानदार है, ये देख लो। अच्छा, इसमें यही मॉडल आवे या कोई और भी मॉडल है इससे बड़ा छोटा बच्चे में? इसमें एक भाई साहब 4x4 भी आता है। अच्छा, यही सेम या और कोई है? यही मॉडल है, ये भी आता है। अच्छा, और एक 60x26 भी आता है। जी 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 भाइयों, इसमें 2x2 और 4x4 दोनों तरीके के वेरिएंट हैं, जो भी लेना चाहे किसान साथी ले सकता है। और एक चीज़ और बता दूं, खास जैसे छोटा ट्रैक्टर है, बात ब्रेकों के साथ दिया गया है, ऑयल ब्रेकों के साथ, काफ़ी शानदार, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ये देख सकते हो आप। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है इसका भाइयों, बता रहे हैं ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी शानदार है। और जैसे छोटा ट्रैक्टर है, प्लेटफॉर्म देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा है, कोई भी बैठने में दिक्कत नहीं होगी, सीट भी काफ़ी अच्छी। एक बार भैया बैठ के दिखाइयो, हमारे भाई हैं, लगभग 6 फीट हाइट होगी इनकी, और ये बैठ के दिखाएंगे एक बार, ये देखो भाइयों, बहुत ही कंफर्टेबल ट्रैक्टर है ये देखो, कहीं भी नहीं लग पाते हैं। जी जी जी, बहुत आसानी है। जी जी जी, मैं भी इस पर बहुत आराम से कंफर्टेबल बैठ सकता हूँ, 6 फीट हाइट है। अच्छा, एक बार आवाज़ सुनवाओगे इसकी भाई? एक बार ट्रैक्टर की आवाज़ भी सुन के देखेंगे, सिंगल सिलेंडर है, कैसी आवाज़ निकालता है। और साइलेंसर भाई इसमें आगे की तरफ चला गया, काफ़ी शानदार आवाज़ निकाल रहा है, बहुत बढ़िया, बंद कर लो। तो भाइयों, ये थी मैसी फर्ग्यूसन 5118 की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।